तो चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा स्थगित हो गया है। पहले 3 बजे दिल्ली रवानगी का कार्यक्रम था, तो वहीं बीकानेर हाउस में कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो वहीं अब सीएस उषा शर्मा करेगी बीकानेर हाउस के कार्यक्रम में शिरकत, यानी कि एक बदलाव किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे और बीकानेर हाउस में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शामिल होने वाले थे। तो वहीं अब एक बदलाव किया गया है, जहां उषा शर्मा बीकानेर हाउस में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी। सीएस उषा शर्मा यानी कि अब शिरकत करेंगी कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम 5 बजे बीकानेर हाउस में होना था, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं जाएंगे, बल्कि सीएस उषा शर्मा उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 3 बजे दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, जिसके बाद में शाम को 5 बजे बीकानेर हाउस में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिरकत करने वाले थे। तो वहीं अब एक बड़ा अपडेट इस समय सामने आया है, जहां आज बीकानेर हाउस में शाम को 5 बजे होने वाले कार्यक्रम में सीएस उषा शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह शिरकत करेंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, जो कि बीकानेर हाउस में होना था, तो वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह उषा शर्मा कार्यक्रम में पहुंचेंगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा था वो आज कैंसिल हो चुका है, और जो आज वो स्कल्पचर का कार्यक्रम था, रेनोवेशन जो हुआ है बीकानेर हाउस में, उसमें अब उषा शर्मा जो कि सीएस है वो मौजूद रहेंगी। लेकिन संभवतः कल यानी सोमवार को कुछ बैठकें लाइंड अप हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल्ली में। पहली बैठक जो है वो है अधिवेशन को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। जो अधिवेशन 24-25-26 को छत्तीसगढ़ में होना है, उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो बैठक होनी थी। दूसरा, बजट को लेकर राहुल गांधी के साथ बैठक पे ऐसी चर्चा होनी थी कि क्या कुछ प्लान किया जा रहा है राजस्थान में। तो ऐसे तमाम बैठक होनी है, तो संभवतः वो कल दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम की जो बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाया गया था बतौर मुख्य अतिथि, बीकानेर हाउस में जो रेनोवेशन का कार्यक्रम है और तमाम चीजें हैं, क्योंकि हेड ऑन उसको लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफी सारा इंटरेस्ट था कि कैसे इसको डेवलप किया जाए बीकानेर हाउस को और बेहतर तरीके से, तो उस कार्यक्रम में फिलहाल अभी पीएस आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज का दौरा रद्द हो गया है। माना जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत भी नासाज चल रही है और तमाम बजट को लेकर वो व्यस्त भी चल रहे हैं। लेकिन अब कल, क्योंकि कल सोमवार को अधिवेशन को लेकर दिल्ली एआईसीसी में एक बड़ी बैठक है, राहुल गांधी से बजट को लेकर बैठक है, अडानी एमओयू को लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है, तो कल संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, लेकिन आज का दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। अदिति, क्योंकि देखिए उनका ये दौरा पहले से ही प्रस्तावित था, तो ही लास्ट मोमेंट पे अब ये तय किया गया कि सीएस उषा शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह पहुंचेगी, तो क्या सिर्फ यही कारण माने जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शामिल नहीं हो पा रहे हैं? जी, कल देर रात ही मुख्यमंत्री ने माना जा रहा है कि कल देर रात ही ये दौरा जो है रद्द हो गया था, और उन्होंने उनकी जगह सीएस को इन्वाइट किया गया। पहले और भी ये माना जाता है यूडीएच मिनिस्टर को बुलाया जाए या किसी और को बुलाया जाए, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे और उनकी जगह सीएस उषा शर्मा मौजूद रहेंगी। अभी देखना होगा कि क्या सोमवार, जो कि कल है, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं या नहीं आते, क्योंकि 10 तारीख को बजट पेश होना है और बजट से पहले काफी सारे बैठकें और काम होने हैं, तो इस बीच में ये देखना होगा कि क्या सोमवार को मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, लेकिन फिलहाल आज का दौरा रद्द हो गया है। अदिति, जो आज उनका दौरा होने वाला था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उसमें वो स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन भी करने वाले थे, उसको लेके क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, स्कल्पचर पार्क का जो कार्यक्रम है वो तय टाइम पर होगा, जो भी उसके लिए कार्यक्रम है वो तय हो रहा है, तय हो चुका था, वही अपने तय समय से चलने वाला है। 5 बजे
उसका उद्घाटन भी किया जाएगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन बस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं होंगे और सीएस उषा शर्मा उसमें मौजूद होंगी बतौर जो चीफ गेस्ट, वो मौजूद होंगी और कार्यक्रम ऐसे का वैसा ही चलने वाला है। और जब अगली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे तो वो स्कल्पचर पार्क का दौरा जरूर करेंगे।